अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक आई टीवी में आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर SEO की हमारी जो लास्ट असाइनमेंट है इसको कवर करेंगे। इसका सोल्यूशन भी आपने MS Word के अंदर बनाना है, तो चलें इसको स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर आल के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक दो टास्क हैं, एक टास्क वन है और टास्क टू है, जिसके अंदर मज़ीद सब टास्क हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनको कॉपी कर लेना है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और वर्ड की न्यू फाइल बनाकर इसके अंदर पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रोम के अंदर पेस्ट करके अरेंज किया है, तो इस वजह से ये ऐसे नज़र आ रहा है। इसको मैन्युअली अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 टास्क है, मैंने इसको अरेंज कर लिया है। इसी तरह नीचे टास्क है, इसको भी कॉपी करके आपने अरेंज कर लेना है। अगर आप क्रोम के अंदर, क्रोम के अलावा डोबी रीडर से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। अब दोस्तों हम टास्क बाय टास्क इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क है कि आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और उसके ऊपर आपने वर्ड सर्च करना है ई कॉमर्स। तो यहाँ पर क्रोम के अंदर ओपन करते हैं, न्यू टैब ओपन कर लें और play.google.com ये आपने ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च में आपने लिखना है, अब दोस्तों यहाँ पर सर्च में लिखें ई कॉमर्स और एंटर का बटन प्रेस करें। तो मैंने बगैर स्पेस दिए ई कॉमर्स सर्च किया है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ई कॉमर्स के हवाले से जितने भी इसके अंदर ऐप्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। देखें काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के ऐप्स आ जाते हैं, इनमें आपने कोई 3 सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं पहले और टास्क नंबर 1 के नीचे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने 3 आपने ऐप सेलेक्ट करने हैं, इसमें से कोई भी 3 आप सेलेक्ट करें, उनका नाम लिख लें। और यहाँ पर हम 3 का नाम लिखने की बजाय हमारा जो अगला टास्क है उसमें कह रहा है कि आपने उसका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और उसकी स्क्रीनशॉट है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो 2 और 3 के स्क्रीनशॉट हम इकट्ठी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 3 इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट करने हैं ऐप। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं शॉपिफाई, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसका कॉपी करें इसका टाइटल, यहाँ पर पेस्ट करें, फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर ऐड कर लें। इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, न्यू टैब के अंदर ओपन कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये ओपन कर लिया है। पहला हमने ओपन किया है शॉपिफाई, दूसरा हमारा है जी सेलिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स, ये ई कोर्सेज हैं, और तीसरा हमारा है लर्न ई कॉमर्स वीडियो ट्यूटोरियल। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी 3 आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला टास्क क्या था। 3 हमने सेलेक्ट करने हैं, 3 के हमने टाइटल लिखने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसकी स्क्रीनशॉट भी। तो पहला मैंने लिखा शॉपिफाई, इसका नाम आ गया, उसकी स्क्रीनशॉट आ गई। अब यहाँ पर इसकी लेते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर नीचे जाएं, रीड मोर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे जो हैं इनके भी आप कॉपी करें। टाइटल कॉपी किया मैंने दूसरे का, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐप नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये टाइटल आ गया। इसी के नीचे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं और स्क्रीनशॉट नीचे ऐड कर लेते हैं। तो आपने सारी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पर मैंने पेस्ट की।
अब यहाँ पर दोस्तों हमारा टास्क नंबर 4 के मुताबिक आपने 3 ऐप सेलेक्ट किए हैं, तीनों के वाले से आपने कोई रिलेटेड कीवर्ड आपने सोचना है, वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा था शॉपिफाई, ये ई कॉमर्स बिजनेस है, तो ई कॉमर्स बिजनेस ये वाला हमारा कीवर्ड बन सकता है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ई कॉमर्स बिजनेस, ये पहले ऐप के लिए है। और दूसरा हमारा ऐप है जी सेलिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स मेंबरशिप ई कोर्सेज, तो सेलिंग ऑनलाइन ये भी कीवर्ड है, ई कोर्सेज ये भी एक कीवर्ड है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कोर्सेज ये भी हमारा एक कीवर्ड है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स कोर्सेज, ई कोर्सेज ये हमारा एक दूसरा कीवर्ड आ गया। और तीसरा हमारा है जी लर्न ई कॉमर्स, इसी को कॉपी कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप टाइटल में से ही कीवर्ड सेलेक्ट करें, आप डिस्क्रिप्शन स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन स्टडी करने के बाद आपको लगे कि एक और कीवर्ड जनरेट हो सकता है, वो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो 3 कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा नीचे मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, देखें ये लिखे मैंने लिखे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस है, मार्केटिंग कंपेन्स है, ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये भी जनरल कीवर्ड है जो कि ऑलमोस्ट सभी ऐप्स के अंदर अप्लाई हो सकते हैं। तुम्हारा ये टास्क कवर हो गया है। अब वो कह रहा है कि अब आपने गूगल ट्रेंड ओपन करना है, इनका काम ख़त्म हो गया, इनको डिलीट कर लें। trends.google.com ये आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो कह रहा है कि आपने, पहले हम इसकी इसके नीचे स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं। अब सबसे पहले आपने एक कीवर्ड लेना है और उसकी सर्च को आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारा जी पहला कीवर्ड है ई कॉमर्स बिजनेस, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको सर्च किया, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, इसके नीचे पेस्ट कर ली। अब अगला टास्क है क्लिक ऑन कंपेयर, ऐड द सेकंड कीवर्ड एंड द थर्ड कीवर्ड। अब आपने 3 कीवर्ड को कंपेयर करना है। तुम्हारे 3 कीवर्ड ये वाले हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स है, लर्न ई कॉमर्स है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंपेयर के बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर पेस्ट करें, एंटर का बटन प्रेस करें। फिर हमारा जो तीसरा कीवर्ड है उसको कॉपी करें, फिर कंपैरिजन में जाएं, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें। अब 3 का कंपैरिजन हमने इकट्ठा शो करवा दिया है, देखें, और इनका ग्राफ भी आ गया है। अब कह रहा है कि कंपैरिजन के बाद इसकी स्क्रीनशॉट दें और इंटरेस्ट बाय ग्राफ, इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। खाली आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ये वाली ऐड ना करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं ताकि नंबर हमारे पूरे हैं, किसी वजह से वो नंबर कम ना दे। तो यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें, ये वाला हमारा ग्राफ आ गया है, इंटरेस्ट बाय ग्राफ, इसकी स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर ऐड करते हैं 8वें नंबर टास्क के सब टास्क के नीचे। अब वगैरह के आल्सो मेंशन दी हाईएस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड और सर्च टर्म इन दी वर्ड फाइल, कि जो हमारे हाईएस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब टास्क नंबर 2 के मुताबिक आपने youtube.com ओपन करनी है, तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं youtube.com। ओपन करने के बाद वो कह रहा है कि राइट ईच कीवर्ड और सर्च टर्म 1 by 1, यानी कि ये 3 कीवर्ड हमने सेलेक्ट किए थे, ये वाले, इन तीनों को 1 by 1 आपने सर्च करना है YouTube के ऊपर। पहला मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और सर्च का बटन प्रेस किया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सर्च करने के बाद आपने कोई भी वीडियो आपने ओपन करनी है, उसकी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसकी स्क्रीनशॉट आपने ऐड करनी है। 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर आएंगी। फिर मैं कह रहा हूँ 3 कीवर्ड आप लहदा लहदा सर्च करेंगे और 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर आएंगी। तो कोई भी वीडियो आप ओपन कर लें, मैं पहली वीडियो ओपन करता हूँ,
इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, ये मेरा पहला टाइटल आ गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट भी हम ले लेते हैं, इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आपने बाकी जो तीन स्क्रीनशॉट है वो भी आपने ऐड करनी है। मैंने सिर्फ एक की है, बाकी आपने तीनों खुद इसी तरह सर्च करने हैं और स्क्रीनशॉट भी ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि बाकी के तीन स्क्रीनशॉट जो दो रह गई हैं वो आपने खुद करनी है। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया है इस तरह से आपने इसको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।